हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्राइडल उपटन शेयर करने वाली हूँ। ये ब्राइडल उपटन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो उपटन है तो ये आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं आपको घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपकी किचन में ही अवेलेबल मिलेंगी, आपको हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस उपटन में यूज़ की है। और फ्रेंड्स, उपटन के बारे में बाद में बात करती हूँ। और देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा फेस एकदम वाइट वाइट सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा मेरा तो ज़्यादा ही वाइट नज़र आ रहा है। एनीवेज छोड़िए, तो इसको थोड़ा भी अगर सेट करूँगी तो फिर ज़्यादा डल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वह मैंने ब्राइडल उपटन के लिए, ब्राइडल के लिए ये उपटन बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये उपटन बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है। तो मैं इसको बहुत दिनों से, कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी ये जो उपटन है आप यूज़ कर सकते हो। आपको अल्टरनेट डे में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप डे बाई डे भी यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेट डे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, आप लोगों को जैसा सूटेबल लगे, जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उपटन बहुत ही अच्छा काम करता है और आपके जितने भी हेयर्स वगैरह होते हैं, आपकी बॉडी पर हेयर होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो। तो ये फ्रेंड्स, ये वाला जो उपटन है बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बनाया और आप लोगों को भी इसके साथ शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इसे अगर आप चाहें तो आप सुबह जैसे आप बॉडी वॉश करते हो, मतलब आप शावर लेने जाते हो, तो उस समय आप कर सकते हैं। तो आप सोप यूज़ मत कीजिए, और सब नहीं यूज़ करेंगे तो, या बॉडी वॉश नहीं यूज़ करें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसको ही यूज़ करके आपकी स्किन एकदम ग्लोई होगी और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, आपकी स्किन शाइन तो करेगी ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको लगाया है कुछ दिनों, और मैंने डेली लगाया है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि ये जो मौसम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, वेदर बहुत ही ख़राब है, मतलब कभी बिल्कुल ड्राई हो जाती है मेरी स्किन, कभी बिल्कुल ही नॉर्मल रहती है, कभी ऑयली ऑयली सी, जैसे ऑयली यहाँ पर आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयलीनेस भी हो जाती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये उपटन, और ये या फिर आप बॉडी पॉलिशिंग कह लीजिए या उपटन कह लीजिए, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और जो मैंने इसमें ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप डालिए ऑयल को और बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए कि इसको मैंने बनाया कैसे है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ ब्राइडल उपटन। ये है बॉडी पॉलिशिंग और ये बहुत ही अच्छी बॉडी पॉलिशिंग का ये काम करता है। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये चने का आटा है, मतलब कि जो ब्लैक वाला जो चना होता है उसका आटा है ये, जो बेसन कहते हैं, कभी कोई कोई बेसन कहता है, कोई कोई चिक्की फ्लावर कहता है, मतलब बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। तो वही मैं ले रही हूँ बेसन, और इसके बाद मैं लूँगी इसमें टर्मरिक पाउडर, और ये आपकी स्किन को लाइटन भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा, और मैं इतना ही ले रही हूँ। और इससे आपकी स्किन बिल्कुल इतनी अच्छी स्मूथ और फाइन हो जाती है। और फिर मैं इसके बाद ले रही हूँ रॉ मिल्क ले रही हूँ इसमें, इतना ले लिया है मैंने। उसके बाद मैं ले रही हूँ इलांग का ऑयल, ये है एसेंशियल ऑयल, तो मैं इसका परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये बॉडी पॉलिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इसको अपनी बॉडी पॉलिशिंग में इसको यूज़ कर रही हूँ। आप फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको मतलब आप फुल बॉडी पर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ये वाला जो मैं उपटन बना रही हूँ तो आपकी बॉडी पर तो लगेगा ही, फेस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये कम हो जाए तो आप इसमें बेसन मिला लीजिएगा,
तो इसके बाद मैं ये इलांग इलांग का एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। तो ये एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लास और स्मूथ बना देता है। तो मैं इसके 2 ड्रॉप्स ले लूँगी। ये देखिए मैंने 2 ड्रॉप्स ले लिया है और मैं इसका परचेज लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये है एल्प्स गुडनेस का, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा तो आप इसको ले सकते हो। एल्प्स गुडनेस का है ये। और इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ रोज़ वाटर, क्योंकि ये आपकी स्किन को लाइटन भी करेगा, आपकी स्किन के ओपन पोर्स जो होंगे वो भी इससे श्रिंक हो जाएंगे। तो मैं ले रही हूँ ये डाबर का रोज़ वाटर है। आपके पास जो भी पड़ा हो रोज़ वाटर आप वो ले सकते हो, मैं डाबर का लिया है मैंने, तो मैंने डाबर का ही ले लिया है। और अगर कम हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसमें बेसन ऐड करूँगी। आपके अगर हेयर है आपकी बॉडी पर तो वो भी इससे धीरे धीरे आप इसको यूज़ करते रहिए, आपके हेयर बिल्कुल इससे क्लीन हो जाएंगे और धीरे धीरे निकल जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। इस तरह से आपको ये यूज़ करना है। और इसमें मैंने रो मिल्क तो यूज़ किया ही है, इसमें थोड़ा सा मैं जो मिल्क पाउडर होता है वो ऐड कर रही हूँ। तो मैं दे रही हूँ नेस्ले एवरीडे का पाउडर। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ। मैं इसको डाल दे रही हूँ थोड़ा, 1 स्पून के करीब होगा ये, तो मैंने इसको डाल दिया है। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है, कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए मुझे। तो ये आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, हेल्दी बनाएगा, लाइटन बनाएगा, ब्राइट करेगा। आपकी स्किन में अगर बाल हैं जो मतलब रोम होते हैं वो हैं तो इससे धीरे धीरे कम हो जाएंगे, अगर आप इसको अप्लाई करते रहे एक दो दिन के बाद। तो आपके जो हेयर हैं वो भी इससे बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे और बहुत काफ़ी हद तक आपके क्लीन हो जाएंगे हेयर। तो आप इसको इस्तेमाल करिए और आप इसको 1 दिन के बाद लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसन तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छे से ग्लो भी देता है बेसन, और आपकी स्किन इससे बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। अगर आप सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर आप सावर जेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसमें अभी मैं थोड़ा सा इसमें वो डालने वाली हूँ आलमंड ऑयल, तो क्योंकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, निकलना चाहिए इसको आराम से स्मूथली, अगर हम इसको निकाल रहे हैं रब कर तो इसलिए। तो मैं डाल लेती हूँ अभी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैंने ये बनाया था आपके सामने और ये मैंने शेयर किया आपके साथ, और ये ऑयल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं अभी मिलाने वाली हूँ ये स्वीट आलमंड ऑयल, थोड़ा सा ही मिलाऊंगी क्योंकि ये जो स्मूथनेस आ सके आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क कर सके, इस वजह से इसको मिलाना है मुझे। और इसको आपको आप इसको रख भी सकते हो अपने फेस पर या फिर आप ऐसे मसाज करके निकाल भी सकते हैं। तो मैं फेस पर ही दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आप लगा लीजिए और ऐसे इस तरह से मसाज करिए। इतना ही थिक होना चाहिए ये, क्योंकि ये आराम से मिक्स होकर आराम से इस तरह से नीचे ना गिरे, और इस तरह से अगर आप वॉशरूम में कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, मतलब गिरता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं अभी इधर दिखा रही हूँ आपको कैमरे के सामने, तो इस वजह से मैं कमरे में ही कर रही हूँ, तो ये गिरना नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपनी आईज़ के नीचे, और ये ऊपर इतना अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको रोज़ करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ दिन ऐसे एक दिन बाद एक दिन करते हैं वीकली करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम, मतलब जिस तरह आपको सूटेबल हो, जैसे आप कर पाएँ, जैसे आपके पास टाइम हो उस तरह से आप कर लीजिए। और ये डल फेस रहता है आपकी, डल है स्किन, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा फ्रेंड्स। और बस आपको इस तरह से, या तो आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरे बॉडी पर लगा के 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, इतना तो नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं इसको रब करके ही इस तरह से निकाल देती हूँ और फिर अपने काम करती रहती हूँ पूरा अपना, बस इस तरह से रब करती रहती हूँ तो एकदम क्लीन हो जाती है बॉडी। आपकी स्किन पे जितने भी रोम होंगे, मतलब जो आपके हेयर होते हैं छोटे छोटे से, तो वो भी निकल जाते हैं और आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी एकदम
अंदर से डीपली क्लीन हो जाते हैं और इससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ और शाइनी और ग्लोई नज़र आती है। इसलिए ये वाला जो मैंने उपटन बनाया है ये बहुत अच्छा काम करता है। ये ब्राइडल उपटन तो है ही, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइडल उपटन है तो ब्राइडल ही यूज़ कर सकती हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो आप यूज़ कीजिए इसको और मैं अब इसको इस तरह से रब करके छुड़ा के फिर मैं मिलती हूँ आपसे, धोकर मिलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। मैंने इसमें इलांग इलांग का जो ऑयल डाला था, एसेंशियल ऑयल, वो बहुत ही अच्छा से आपकी स्किन इस तरह से एकदम शाइनी ग्लोई बना देता है। इसलिए ये जो ऑयल है ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, तो इसलिए आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। तो मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगी आपको, आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग को लेना है तो एल्फ गुडनेस का ले सकते हो या फिर आप गुड वाइब्स का भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हैं। तो यही है आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे फेस थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, मतलब शाइनिंग दिख रही है आपको, ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पर, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये ब्राइडल उपटन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि इसको बनाना कैसे है और देख लिया है आप लोगों ने कि इसको इस तरह किस तरह से यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा आपकी बॉडी पर और बहुत ही अच्छे से ये, अगर आप इसको रेगुलर लगाते हो, और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है ये उपटन है जो, या फिर आप बॉडी पॉलिशिंग बोल लीजिए या उपटन बोल लीजिए, मैं उपटन ही बोल रही हूँ। तो ये इतने अच्छे से क्लीन करता है आपकी जितने भी पोर्स वगैरह होते हैं, आपकी बॉडी के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो वो आपके श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला हुआ है और जो मैंने इसमें बेसन यूज़ किया है, तो आपकी जो स्किन है बिल्कुल एकदम से अंदर तक डीपली क्लीन होती है इन सारी चीज़ों से। तो मैं इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ, डालती हूँ, और क्योंकि मुझे डीपली क्लीन स्किन अच्छी लगती है। उसके बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, आप लोगों को हमेशा जब भी आप शावर लेकर आते हैं, कभी भी, चाहे आप नाइट में हो, चाहे डे में हो, या फिर आप किसी भी समय आप शावर ले रहे हैं, उसके बाद आपको स्किन को ऐसे नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा स्किन पर एक बॉडी लोशन को लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब हम बॉडी लोशन लगाते हैं तो आपकी स्किन एकदम से बहुत ही अच्छा बिहेव करती है और आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, और जो भी मॉइस्चर होता है वो आपके बॉडी के अंदर ही लॉक हो जाता है, जिससे कि आपकी स्किन अच्छी दिखती है और आपकी स्किन पर रिंकल्स भी नहीं आएंगे। मतलब जैसे अगर आपके हाथों पर रिंकल आ रहे हैं तो वो भी नहीं होंगे, आपके बॉडी पर कहीं भी रिंकल आ रहे हैं, आपके हैंड्स पर रिंकल आ रहे हैं, या फिर आपके किसी किसी को यहाँ पर रिंकल्स इस तरह से आने लग जाते हैं, या फिर किसी को यहाँ आने लग जाते हैं, तो वो रिंकल्स नहीं आएंगे, तो आपकी बॉडी वैसे भी अच्छी लगेगी। और स्किन को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। किस तरह से रखना है, आपकी स्किन है, आपको इसको किस तरह से अच्छे से रखना है, किस तरह से इसके लिए कुछ भी यूज़ करना है, तो उसको किस तरह से आप यूज़ करें, कौन सी चीज़ आपकी स्किन पर सूटेबल है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व जब कर लेंगे आप कोई भी चीज़ को, तो बहुत ही अच्छे से आप देख पाएंगे कि हाँ किस तरह से कौन सी चीज़ मेरे स्किन को सूट कर रही है। आप लोग को जो भी सूट करता है ना, आप उस तरह के, तो मैं बॉडी पॉलिशिंग बहुत सारे बता चुकी हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ही तरह से ही बॉडी पॉलिशिंग बताती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं हर टाइप के बॉडी के लिए बताती हूँ, आप लोगों को जो सूटेबल हो, जो अच्छा लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं किसी में तो, क्योंकि किसी किसी की एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो मैंने उसमें नीम वाला जो पाउडर होता है वो यूज़ किया है, इसमें मैंने नीम वाला पाउडर यूज़ नहीं किया है। क्योंकि किसी किसी को बॉडी पर पीछे बैक में एक्ने वगैरह होते हैं, या फिर किसी किसी को दाने होते हैं, तो वो किस तरह से रिमूव करने हैं, किस तरह से उनको हटाना है, इस तरह का मैंने बॉडी पॉलिशिंग बनाया है। तो आज मैंने बनाया है बॉडी पॉलिशिंग ग्लोइंग स्किन के लिए, तो आपकी ग्लो कैसे हो स्किन, इस तरह की मैंने बॉडी पॉलिशिंग को सोचकर बनाया है। और मैंने ये यूज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि
मुझे बॉडी पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं वीक में कम से कम 3 से 4 बार तो बॉडी पॉलिशिंग यूज़ करती ही करती हूँ, चाहे तो वो मार्केट वाला हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, या फिर मैं DIY यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही यूज़ करती रहती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं मार्केट वाला यूज़ कर लेती हूँ बॉडी पॉलिशिंग, या फिर अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं घर में ही बनाकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी पॉलिशिंग यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे आपकी स्किन तो हेल्दी होती ही है, आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, टेक्सचर हमारी स्किन का इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन ग्लोई होगी, आपकी स्किन शाइन करेगी, तो आपको कॉम्प्लीमेंट तो मिलने ही मिलने हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है मेरा वीडियो, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगते, आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप उसको भी चेकआउट कीजिए तो आप उसको भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोग, मेरे व्यूअर्स बहुत हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, मेरा वॉच टाइम बहुत कम हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है कि आप लोग क्या स्किप कर देते हो। स्किप मत कीजिए, अगर आप कोई भी वीडियो स्किप करके देखेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, सिर्फ आपने देख लिया कि किस तरह बनाना है, किस तरह से क्या यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप उसको प्रोसेस, उसका पूरा प्रोसेस देखिए कि मैंने किस तरह से इसको डाला हुआ है, किस चीज़ को किस तरह से इसमें अवेलेबल यूज़ किया है, और किस तरह इसको, ये इसका काम क्या है, मैंने सब ये सब चीज़ें बताती हूँ आपको, क्योंकि इसीलिए बताती हूँ कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, आपकी स्किन को कौन सी चीज़ सूटेबल है, कौन सी चीज़ हार्म कर रही है, ये आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं दीदी ये ऐसा नहीं था, ये मुझे सूट ही नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं कहती हूँ पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, किसी का भी वीडियो हो, चाहे मेरा हो या किसी अदर कोई भी यूट्यूबर का देखेंगे, तो पूरा वीडियो स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नॉलेज मिलेगी आपको कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह का ये वीडियो है। तो ऐसे ही सारे वीडियोज़ बनते हैं, सभी लोग इसी तरह बनाते हैं, तो मैंने भी इस तरह से बनाया हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे व्यूअर्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा है किस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं, ये भी मुझे नहीं बताते हैं आप लोग। मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग किस तरह का वीडियोस देखना चाहते हो, तो मैं उस तरह का वीडियोस बनाऊंगी। और मैं प्रोडक्ट्स बहुत सारे अभी लेने वाली हूँ, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैंने परचेस कर लिया है बहुत सारे जो मुझे प्रोडक्ट लेने थे, तो मैंने परचेस कर लिए हैं, तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही मेरे पास आते हैं, मेरे पास पहुँचते हैं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी डेली नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो, इसके लिए सॉरी है, क्योंकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा काम में बिजी होती हूँ, क्योंकि अभी राखी भी आने वाली है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है मुझे, और कुछ और भी काम है घर में, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं डेली बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली वीडियोज़ तो बना के मैं रखे रहती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी एडिटिंग करने में टाइम लगता है, और जब एडिटिंग नहीं होगी तो वीडियो कैसे मैं डालूं, और थोड़ा सा अपने बेटे को भी देखना होता है, पढ़ाई वढ़ाई सब तो देखना ही है, उसकी पढ़ाई भी देखनी होती है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, सिर्फ एक दिन का गैप मैं दे रही हूँ अभी फ़िलहाल, फिर उसके बाद मैं रेगुलर आऊँगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।